आज मैं इतनी बुरी फंसी हूँ, कल रात से मैं बहुत बुरी फंसी हूँ। हम लोगों को कहीं जाना था और हम लोगों का जो ट्रेन रिजर्वेशन है ना हुआ है अभी तक, देन हम लोग वेट करेंगे 12 बजे तक अभी तक कि वो कंफर्म होगा या नहीं होगा। पैकिंग करनी है पूरी और नहीं हुआ, कैंसिल हुआ तो पैकिंग हटानी पड़ेगी, और अगर हो गया तो मेरी पैकिंग ना मज़ेदार वाली नहीं हो पाएगी। जो जो मैंने सोचा था मुझे रैंडम पैकिंग करनी पड़ेगी और मैं वही करने जा रही हूँ। अभी बज गया है 9, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आज। हाल मेरा सच में, मैं नीचे जा रही हूँ, थोड़ा सा अपने कपड़े का देख लेती हूँ क्या। अभी बज गए हैं 10 और अगर ट्रेन कंफर्मेशन होगा 12 बजे तक, और तब तक मुझे पैकिंग पूरी उस तरीके से करनी, एकदम की आज़ादी की लड़ाई करने जा रहे हूँ और सब कुछ करना पड़ेगा, इवन खाना भी बनाना पड़ेगा क्योंकि 22 आवर्स का सफ़र है। एंड वो क्या बोलते हैं उसको, और लंबा सफ़र होने के कारण खाने पीने की सुविधाएँ एक्चुअली है ई कैटरिंग, पर मैं सोचती कोविड में थोड़ा सा अवॉइड करूँ कहीं ना कहीं, तो वही करने जा रही हूँ। यार क्यों इतना इरिटेटिंग लाइफ हो जाती है कभी कभी, मुझे बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं हो रही। पता, मैं पहले मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ करती थी। अरे तुम इनसे इनसे लेडी जाने से पहले हमको बताते हो, तुम्हारा करा देते हैं उनसे हमारा कन्फर्म की बात। हम लोग जो रजिस्ट्रेशन होता है वेटिंग एरिया में, वैसे बैठा होते नहीं, आज कल नहीं होता है। और हम लोग जा रहे थे, टाइम लिमिटेड था मेरे पास और मुझे जाना था वापस रेलवे स्टेशन, और यहाँ से रेलवे स्टेशन लगभग वही है 150 किलोमीटर आई थिंक। तो वहाँ पर पहुँचने में मेरे पास सफिशिएंट उतना ही टाइम था कि मुझे 4:30 बजे की ट्रेन थी और मुझे फिर पहुँचना था। मैंने सोचा बाल भी नहीं कंघे किए थे, कुछ भी नहीं पहने, जो पहने थे मैं कपड़े वही पहन के मैं चलिए फटाफट खाना बना के, 20-22 घंटे का सफ़र था, अर्जुन साथ में था तो मुझे खाना बनाना पड़ा था, तो फटाफट मैंने खाना बनाया जल्दी जल्दी और पैक किया। फिर रास्ते मुझे भूख लगी, मैंने कुछ खाया नहीं था, तो फिर मैंने यहाँ पर चाट ली थी खाने के लिए, बट तो इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। अर्जुन को पसंद आई तो अर्जुन ने रोटी खाई और फिर हम लोग यहाँ से निकले थे, तो थोड़ा टाइम ही होता निकले हुए रास्ते में, देखिए कितना पानी, सड़क ख़राब हो गई है, कितना पानी भरा हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी कार को निकालने में। और यहाँ हम सडनली आ गए तो ट्रेन में ब्लॉक टूर नहीं कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं था ना, इतना हौज पर भागते भागते ट्रेन पकड़ी और यहाँ हम लोग पहुँच गए ट्रेन के अंदर। देन ट्रेन हमारी चलती है और यहाँ अर्जुन बहुत खुश है, बाबा इतना खुश है, पहली बार ट्रेन में सफ़र करा अपनी जान में, तो वो पहली बार ही कर रहा था तो बहुत 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 खुश था। यहाँ पापा से बातें कर रहा, बोलो मुझे ऊपर जाना, नीचे जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना, बस यही कर रहा था और खुश था, अच्छा लगा। पर मुझे थोड़ा सा डर भी लगा था जो कोविड पर सेकेंड एसी में आना जाना नहीं। और ये मैं आपको दिखा रही है जो ये बना हुआ है ब्रिज टाइप का, ये है कानपुर की गंगा नदी का, ये बहुत बड़ा लंबा ब्रिज है और बहुत ही अच्छा ब्रिज है। इस पर शायद हम लोग वो जो विकल्प होते हैं वो चलते हैं, ये गंगा मैया है तो गंगा मैया की जय। और इधर क्या था, हम लोग कानपुर पहुँचे तो ये कानपुर इधर साइड बना, ये लोहे का पुल जो यहाँ कानपुर में बहुत बहुत फेमस है, ये लोहे का बना हुआ टोटली कुछ किलोमीटर्स में बना हुआ है, 3-4 किलोमीटर्स में। अब रात हो चुकी 7 बज के और हम लोग अभी ट्रेन में हैं, हम लोग को 22 हवास का सफ़र है और मैं तो खा भी चुकी हूँ, अर्जुन भी सो रही थे, मैं थर्ड अपर वर्ग पे आके, और आप देख रहे मैं कैसे ही, मैंने बाल कंघी भी नहीं किए थे, सडनली मैं भागती दौड़ती चली आई। तो अभी 7 बज गया हुआ है, कन्फर्म होने सब 12 बज के बीच में पता चला कि हम
आने वाले पे बाइक कार हम लोग आए इधर और उसके बाद ट्रेन पकड़ी चेन्नई एक्सप्रेस। देन अभी हम लोग आई थिंक कानपुर के आगे अब कल पहुँचेंगे। और हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को ब्लॉग में ही पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, इसलिए जा रही हूँ, इससे मिलने जा रही हूँ। और सोचती हूँ ट्राई करती हूँ सोने का, खा पी चुके हैं, खाने का मेरा सब बैठा हुआ देखे देखते देखिए इधर नीरज सो रहा है और इधर जो सो रहा है बाकी नीचे लोग और भी लोग हैं इधर उधर ट्रेन में। तो देखते हैं, मिलती हूँ एक घंटे बाद। लगभग भी बज गए हैं और मैं अज्जू ऊपर बैठे हुए हैं। अज्जू को डर लग रहा है क्या? अज्जू को फेस देखो बंदे की जैसे है क्या? रोते नहीं है बेटा। हाँ आधा सफर भी तय नहीं किया है तो हम लोग झांसी में पहुंच गए हैं। श्री माता वैष्णो देवी कटरा नहीं इधर ही है वो बस गया था। और यहाँ पे हम लोग झांसी पहुँच हुए थे तो यहाँ पे कुछ खाने पीने को ले लिया था क्योंकि अर्जुन छोटा था ना तो वो पूरी नहीं खाना नहीं खाना जा रहा था और मम्मी को भी उनको खाना नहीं खाना। तो मैंने सोचा कुछ ऐसा लाइक लिक्विड ले लेते हैं, जूस वगैरह, बिस्किट और चिप्स वगैरह ले लेते हैं। और मैंने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लिया हुआ था क्योंकि मुझे रात सफ़र में कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद, हालाँकि नहीं पीनी चाहिए पर ठीक है। और थोड़ा बहुत लिया हम लोगों ने। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ की ट्रेन यहाँ 10 से 15 मिनट रुकती है तो 10 से 15 मिनट रुकती है तो फिर हम लोग ने यहाँ पे एक्सप्लोर किया। फिर जा रहे हैं हम लोग, कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सब ब्लॉग में आपको अंदर मिलेगा देखने को। और आगे हूँ मैं ट्रेन के अंदर, एंट्री मारी मैंने, मैं ब्लॉग नहीं सूट कर प्रॉपर कर पा रही थी। यहाँ पे एक अंकल बैठे हुए थे, बड़े थे तो कम्फर्टेबल नहीं थी मन के साथ, बट इट्स ओके, अभी मैं ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। लो पकड़िए आप खाने पीने का आइटम, अजू अभी मैं देती हूँ, पहले आप हैंड वॉश करो जाके पापा जाइए। क्यों? अरे हाथ धुलवा लो जाके, मुझे सब छू के आए इधर, बहुत कम हो गया घर में, कोई बर्डन नहीं है, आदमी इस टाइम पे अवॉइड भी करता बाहर का खाने का। अभी तो पैसा लिया गया होगा तो स्टेशन पे घुसी होगी वो बैग चेक वाला। हम ले वाले हैं, तो गर्ल्स थी जो चेन्नई जा रही थी पढ़ने के लिए और वहाँ पर उनसे अच्छी दोस्ती हो गई थी, ये लोग उनसे बातें कर रहे थे, ये लोग खाना खा रहे थे, हमें बातें कर रही थी, रिकॉर्ड किया मैंने। ये भी पैसेंजर्स थे, बहुत अच्छे थे ये लोग। एक लड़की जो थी इधर वाली जो लड़की वो है, इसका नाम था क्या, दीप्ति थी, वो बहुत बहुत प्यारी थी, मुझे बहुत अट्रैक्ट किया इसकी बातों ने, एकदम मस्त बातें करती थी। और हाँ कोई बात नहीं की लड़की, तो ये लोग चेन्नई जा रहे थे अपने कॉलेज प्रैक्टिकल्स वगैरह देने के लिए। और रात का ब्लॉग खत्म हो गया, रात तक सो गए, सुबह उठे, ये सुबह के 9 बजे का टाइम है और मैं यहाँ चाय पी रही हूँ। इतनी ख़राब चाय ट्रेन में मिलती है बट मुझे आदत है, आई एम एडिक्ट, तो मतलब एडिक्ट मतलब ये कि मुझे चाय चाहिए चाहिए मॉर्निंग में, बाकी सब मिले या ना मिले। तो ये नागपुर के लगभग हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे जो ग्रीनरी है बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ का। देखिए तो बादल है, बारिश लगातार होती हल्की फुल्की रहती है महाराष्ट्र में। एंड देन आप देखिए यहाँ पे आपको सागौन बहुत मिलेगा, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सागौन के सुबह और यहाँ मैं दादी बता रही हूँ। आप पूछो माता जी कॉलेज वाले। और इधर देखो कितना अच्छा माहौल है, अजू सुबह सुबह गुस्सा कर रहा है, अजू तो एंड मैन मिस में आ गया है। देखो आया एंड मैन बुला रहा है स्पेस नहीं। हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, कितने सारे प्लांट पौधे हैं इधर, देखो देखो कितना अच्छा व्यू है इधर, पहाड़ पहाड़ पहाड़।
छुपा रहे थे वो गड्ढे में हम लोग कितने ऊंचे पे हैं telling me to stop, ayy. Got 20 G's for the keys to the what do you do when Captain turn your lover to a op, ayy? I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head. लगभग हम लोग पहुंचने वाले हैं. हम लोग का अर्थ सफ़र क्रॉस हो गया, तो मैंने सोचा कि ना मैं ब्लॉग बना लेती हूँ, थोड़ा सा एडिट कर देती हूँ उसको. और ऐसा होता है ना पॉसिबल, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ होती हैं, सब कुछ आपको देखना होता है, तो ब्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं होता है, या फिर आपके सामने जो पैसेंजर्स होते हैं वो कम्फर्टेबल नहीं है, तो नहीं हो पाता ना. तो मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया वीडियो को, एंड देन मैंने सोचा मैं इसको ओवर वॉइस कर दूँगी आप लोगों के लिए. तो मैं अभी लगभग पहुँचने वाली हूँ चंदपुर. यहाँ से लगभग मुझे हार्डली वो 1 आवर्स लगने वाला है. और यहाँ मैं उन्हीं लड़कियों से बात कर रही थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी पर्सनली. जो दीप्ति थी उसकी जो लैंग्वेज थी, जो बात करने का तरीका था, बहुत खुले दिल की थी. और जो दूसरी जो थी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो भी थी बहुत अच्छी थी. वो मेरे यहाँ की ही थी, मेरे पास में ही एक शहर है, उस शहर से मेरे हार्डली 55 किलोमीटर दूर है, इतनी ही दूर की थी. पर वो मुझे अपने यहाँ की लगी. लेकिन ये जो झांसी वाली रानी थी वो बहुत बहुत अच्छी थी. ऑल टाइम पूरे दिन टाइम खाने का देखो, अर्जुन को खिला रही है, अर्जुन के साथ एंजॉय कर रही है, और अर्जुन उसके साथ सबके साथ बहुत एंजॉय कर रहे थे. और लगभग हम लोगों को बस पहुंचने का टाइम हो गया था. और इन लोगों का सफ़र लंबा था, चेन्नई था, तो चेन्नई ट्रेन में बैठे तो चेन्नई डायरेक्ट पहुँचेंगे. मैं यहाँ पर सुबह सुबह नमकीन लिया आने तो कुछ खाने खाने ट्रेन में आजकल कुछ नहीं मिल रहा है. ट्रेनों में बहुत ही रेयर ट्रेन रहेगी जिसमें किचन होती है. तो यहाँ पे मैंने चिप्स वगैरह रखी थे लेके, मैं जहाँ से वही रखे हुए थे वही खा रही थी. मुझे सुबह सुबह भूख लगाई थी और यहाँ जो बनाना था 10:30 हो गया था, तो ऑरेंज खाना है, बनाना कुछ भी खा लेना, कोल्ड मत पीजिए आप. यहाँ पे ये वो वाला ऑरेंज है वो जो बहुत खट्टा होता है, शायद वो नारंगी होता है. हाँ, और ये जो यहाँ पे ऑरेंज मिलता है वो अलग ही टाइप का होता है, इतना छोटा सा. हाँ वो हम लोग उधर भी मिलते हैं, हमारे घर के बगल में पेड़ भी है, छोटे छोटे मिलते हैं, वो बहुत खट्टे होते हैं, नारंगी और संतरे जैसे होते हैं, बहुत खट्टे होते हैं. हम लोग यहाँ मिलते हैं ना, पेड़ लगाते मेरे घर के पीछे गार्डन में पेड़ लगाते, उसको कुछ और बोलते हैं, किनुआ 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 बोलते हैं. पर ये दूसरा सब हर शॉप पे मिलेंगे, कोना है संतरा और ऑरेंज का, बहुत ऑरेंज खाएगा जो. लेकिन टाइम से चढ़ाइएगा, छूटेगी नहीं टाइम. यहाँ रुकती होगी नागपुर में, आई थिंक 5 मिनट तो रुकेगी, क्योंकि बड़ा बड़ा स्टेशन है. 2 मिनट रुका नागपुर में, 2 मिनट और क्या, चंदपुर ज्यादा देर नहीं रुका. तो चंदपुर तो छोटा स्टेशन है ना, नागपुर तो बड़ा स्टेशन है. सब सामान पैक रखो, अरे सब उतर जाएगा, कुछ निकाले नहीं बहुत कुछ मैंने, इसीलिए ऊपर तो नहीं कुछ छूटो. इसको सही कर दीजिए, हम तो जो तोड़ते हैं और तुम जोड़ते हो, हैंडीमैन ही प्लीज इसको सही करिए. अच्छू तो बोर हो रहे हैं बहुत भयंकर, पहुँचने वाले हैं अब लोग, 1 घंटा और लगेगा, इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे. और दोबारा से नींद आने लगी है मुझे, बहुत जोर से खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ. और चूँकि देखो फुल इंजॉय कर रहा है, इतना कुछ नहीं है कि वो इंजॉय नहीं कर रहा, बट इट्स ओके, थोड़ा टाइम लग गया ज़्यादा और लंबे सफ़र पर आया. एकदम से अर्जुन भागा था, तो मुझे डर लग रहा था कि ट्रेन आ रही थी जैसे उधर से आ रही बार बार, तो मुझे लगा कि गिर ना जाए, इसलिए मैं तेज चिल्लाई, मैं डर गई थी बहुत तेज. अर्जुन प्लेटफॉर्म पे भाग रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, पर मुझे डर लग रहा था कि सामने से ट्रेन आ रही थी और प्लेटफॉर्म पे, और अर्जुन भागने लगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डर गई, क्योंकि अर्जुन भी छोटा है, 2-2.5 साल का है, उसको पता नहीं. और मैं अर्जुन को थोड़ा सा
डांट दिया। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, आगे के ब्लॉग्स आएंगे, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे, तो प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टट्टे बाय बाय।